हेलो दोस्तों दोस्तों यदि आपने भी कैश बिन ऐप से लोन ले रखा है और वो किसी कंडीशन से रीपेमेंट नहीं किया तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आपके साथ क्या हो सकता है, क्या आपके घर नोटिस आएगा, एजेंट आएंगे और आएंगे तो कितने दिनों बाद आएंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में क्या होता है, कैश बिन आपको लोन दे देती है, कम देती है लेकिन ज़्यादा भी देती है, ठीक है। यदि आपकी ड्यू डेट चल जाती है, जैसे कि आपको कोई भी डेट दे रखी थी और उस डेट को आपने रीपेमेंट नहीं किया तो उसके बाद ड्यू डेट चल जाती है तो आपको परेशान किया जाता है कॉल से, एसएमएस से, नोटिस से, मैसेज से, व्हाट्सएप से। वे बोलते हैं कि आप हमारा लोन भर दीजिए, कॉल पे बोलते हैं, एसएमएस से बोलते हैं और एसएमएस से नोटिस पर बोल देते हैं, ठीक है। यदि आप यहाँ पर रीपेमेंट नहीं करते तो इस कंडीशन में दो काम होते हैं, एक तो सिविल को रिपोर्ट चली जाती है और दूसरा उनका बिजनेस प्लान चल जाता है। बिजनेस प्लान का मतलब ये है कि आपने अगर 10,000 रुपये लोन ले रखा था, ठीक है, तो आपको देने थे कितने, 11,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिजनेस प्लान चल जाता है, यदि आपने रीपेमेंट नहीं किया तो उसके अगले दिन ही इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, हैवी इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो यहाँ पर बिजनेस डे उनका चलना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप पेमेंट नहीं करते तो बहुत ज़्यादा आप पे मात्रा में लोन जोड़ देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट बता के। और यहाँ पर एक और चीज़ हो गई कि यहाँ पर आपका जो सिविल है, डाकू का सिविल स्कोर बेकार कर दे, आपका पैन कार्ड ऑक्यूपाइड कर ले। कि यदि आप किसी भी ऐप से लोन लेंगे तो वहाँ पर बता देगा कि योर पैन कार्ड ऑक्यूपाइड, कि आपका पैन कार्ड प्रतिबंधित है, पहले ही जिस ऐप से आपने लोन ले रखा है पहले उसे रीपेमेंट करो जब आपको लोन मिलेगा, ठीक है, ये काम करते हैं, ठीक है। और वैसे कुछ नहीं होगा लेकिन मेन चीज़ ये होता है कि आपका पैन कार्ड ऑक्यूपाइड हो जाता है, केवल सिविल मैटर है, केवल सिविल ही मैटर है, कोई एफआईआर वगैरह नहीं होगी लेकिन सिविल मैटर बहुत बड़ा है। इसके बाद यहाँ पर आपको धमकियाँ मिलेगी, एडवोकेट की भी मिलेगी, बोलेगा कि मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ, उस कोर्ट से बोल रहा हूँ, आपको वहाँ पर आना है वरना आपके नाम की एफआईआर हो जाएगी और आपके नाम का दिवालिया वगैरह कुछ ऐसी इस प्रकार से बोलते हैं कि निकल गया है, ठीक है। और यहाँ पर कॉल हरासमेंट बहुत ज़्यादा होएगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट हरासमेंट होएगा। वैसे अभी करते नहीं है लेकिन हो जाता है, अगर किसी के साथ हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए, अगर कॉन्टैक्ट हैकिंग हो रही है आपके साथ तो जरूर बताइए। वैसे ये ऐप्स का लोन का ये कोई मैटर नहीं होता है, ये इलीगल है, ये लीगल नहीं है। अगर कोई कॉन्टैक्ट हरासमेंट करता है तो ये लीगल नहीं है, इलीगल है, ठीक है। और इसके बाद एसएमएस लीगल नोटिस आएगा, एक एसएमएस पर एक लीगल नोटिस आएगा जिसमें सूचना की कार्रवाई लिखी होगी और धाराएं वगैरह लिखी हुई होगी, अगर आप अपना केस निपटाना चाहते हैं तो रीपेमेंट कर दीजिए। इसके बाद एंट्री होती है लीगल नोटिस की। देखिए ये लीगल नोटिस है, ये कई प्रकार से आ सकता है, आपके घर आएगा, ठीक है, आपके घर भी आ सकता है, आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी आ सकता है, आपके जीमेल एड्रेस पे भी आ सकता है। और इसे दो व्यक्ति देके जाएंगे, या तो पोस्टमैन देके जाएगा या फिर एजेंट, ठीक है, एजेंट आता है या पोस्ट ऑफिसर आता है, ठीक है। लीगल नोटिस आना ही आना है अगर आपके 90 दिन पूरे हो जाते हैं, अगर आपने लोन रिपेमेंट नहीं किया तो 3 महीने के बाद में ये नोटिस जारी कर दिया जाता है। कोई सा भी लोन हो, होम लोन हो, नियम है एक, ठीक है, कि एक नोटिस दो फिर लोन लो, क्योंकि उसे सूचना देनी जरूरी है कि आपका लोन इतना है, आपका पास इंटरेस्ट इतना लगा है, ठीक है, ये आरबीआई का रूल है। इसके बाद एजेंट की एंट्री होती है, यदि 30K से ज़्यादा है अमाउंट तो एजेंट भेजने का हक है यदि आपने इंटरेस्ट नियमानुसार लगा रखा है, ठीक है। एफआईआर यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी। एफआईआर किस प्रकार की होगी, क्योंकि पैन कार्ड का मैटर है, सिविल का मैटर है लोन का, तो केवल सिविल ऑक्यूपाइड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और एफआईआर किसी कंडीशन में नहीं होना और सिविल आपका जब तक सही नहीं होएगा जब तक आप लोन रीपेमेंट नहीं करने का, तो केवल सिविल ही मैटर है, अगर समझा जाए तो केवल सिविल ही मैटर है। कुछ व्यक्ति ज़्यादा डर जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं करना, डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास पैसे हो तो जमा करने में फ़ायदा है, अगर नहीं है तो किसी उधार नहीं लेना है, कोई इस प्रकार का लोन नहीं लेना है कि दूसरे ऐप से लेकर दूसरे ऐप्स में दे दो। और अगर जमा हो सके तो केवल तभी जमा करना है जब आपके पास अपने पैसे हो, ठीक है, क्योंकि ऐप्स में आपने इसी ऐप का लोन भरने के लिए दूसरे ऐप से लोन लिया तो आप दूसरे ऐप्स में भी फंस जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, यदि अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना।